इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेयर कॉम्बिंग प्रॉपर्टीज ठीक है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा हेयर है हम, हमें कॉम्बिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना क्या होगा हमारे बाल एक से एक जगह उलझने लगेंगे और उनकी जो क्वालिटी है वो खराब होने लगेगी ठीक है तो इसलिए हेयर कॉम्बिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फनोमिना है या फिर प्रॉपर्टी है अब लेट सी इट्स इंपॉर्टेंट द वेरियस प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन हेयर कॉम्बिंग आर फर्स्ट इज द हेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर डिपेंड मोस्टली ऑन द जीमेट्री मतलब कि हमारा जो हेयर है इट इज़ ओवल एशियन हेयर इज सर्कुलर एफ्रो हेयर इज़ इलेप्टिक मतलब जो हमारा अलग अलग जगहों के हेयर जो है उनकी जो शेप होता है वो अलग अलग होता है ठीक है हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एशियन हेयर है वो ओवल होता है क्वाटेशियन सॉरी और जो एशियन हेयर है वो हमारा सर्कुलर होता है एफ्रो है थोड़ा सा इलेप्टिक होता है ठीक है सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट जोमेट्री ऑफ अ हेयर सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर फर्स्ट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग, द रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग इज द फंक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ द थ्रेड ऑफ द कॉटेक्स कंडीशन एंड इट इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ठीक है जो हमारे रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, मतलब कि जो कितनी स्ट्रैचिंग बेयरेबल है फॉर अ पर्टिकुलर हेर अगर जितने ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट होंगे उतनी हेर ट स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज़ नेगेटिवली अफेक्टेड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ठीक है नेक्स्ट इज द हेयर इलास्टिसिटी हेयर फाइबर हैज़ एन इलास्टिक करेक्टरिस्टिक एंड इट मे बी अंडर गो मॉडरेट स्ट्रेचिंग इधर वेट और ड्राई स्ट्रेचिंग इन द हेयर एट्रीब्यूट अंडर द एक्शन ऑफ डिस्टल फोर्स और लेंथ एंड द थ्रेड रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेटस वेन दिस फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इसमें क्या हो रहा है हमारा हेयर फाइबर के अंदर कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी है ठीक है कितना हम उसको स्ट्रेस करें स्ट्रेच करेंगे उसको अपने अपने साइज पे आना है ठीक है एंड इट में अंडर गो मॉडरेट स्ट्रेचिंग इधर वेट और ड्राई अब ये इफेक्ट होता है अगर गीले वाले और सूखे वाले सूखने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप पर साइज पर आ ही जाते हैं ठीक है एंड द थ्रेड रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेटस वेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग ठीक है अब वेट है हमने उन्हें कोम करके स्ट्रेट करके लंबा कर लिया ठीक है जैसे वो सूखेंगे अपने ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएंगे दिस इज दिस प्रॉपर्टी इज द हेयर इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होती है रबर बैंड है इलास्टिक है हम उसे खींचा और वो मतलब जब फोर्स हमने हटाया हाथ अपना तो वो अपने शेप पर आ गई आ, अपने साइज पर आ गई एंड सिमिलर गोस् फॉर अ हेयर ठीक है नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिलिक पावर हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर अंडर बोथ लिक्विड एंड स्टीम फॉर्म कैरेटिन में एब्जॉर्ब अप टू फोर्टी परसेंट ऑफ इट्स ओन वेट इन वाटर ठीक है ये हमारी हाइड्रोफिलिक पावर है कि मतलब लविंग टू वर्ड वाटर ठीक है हमारे जो हेयर है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं स्टीम या फिर लिक्विड फॉर्म में और जो कैरेटिन है वो एब्जॉर्ब करते हैं अराउंड फोर्टी अपने खुद के वेट का वाटर ठीक है नेक्स्ट वी हैव द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर अब सरफेस प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आ जाएंगी हमारे पास फर्स्ट इज द हेयर सरफेस पोरोसिटी इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ हेयर टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन मॉइस्चर हमारे हेयर कितना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कितने देर उसको रिटेन कर सकते हैं कितने देर रोके रह सकते हैं अपने पास ठीक है उसको हम बोलते हैं हेयर सरफेस पोरोसिटी नेक्स्ट इज द एब्सॉर्स इट रेफर टू द ऑफ ऑयल्स एंड अदर फैटी एसिड हमारे हेयर कितना ज्यादा ऑयल या फिर फैटी एसिड एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारे जो हेयर है वो एक दूसरे के ऊपर अगर हमारे अब हमारे हेयर एक तो ऐसा तो है नहीं एक जगह पे एक ही बाल आएगा उसके ऊपर और और बाल तो आते रहते हैं ठीक है तो वो कितना मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा है जब एक दूसरे के ऊपर अलग अलग बाल आएंगे उसको हम बोल रहे हैं हमारा फ्रिक्शन नेक्स्ट इज द स्टेटिक लोड स्टेटिक लोड ड्यूरिंग कॉम्बिंग सर्फेस इलेक्ट्रिक लोड इज जनरेटेड बाई बोथ फ्रिक्शन एंड हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेयर विच मेक हैंडलिंग डिफिकल्ट ठीक है जब हम कॉम करते हैं तो जो हमारा सर्फेस इलेक्ट्रिक लोड है वो जनरेट होता है फ्रिक्शन और हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा जो हैंडलिंग है उसको डिफिकल्ट बनाता है ठीक है इसके लिए हम क्या करते हैं अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑन द थ्रेड सर्फेस एंड दे रिड्यूज द फ्रिक्शन जो हम कंडीशनर्स में यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज द कम कॉम्बेबिलिटी इट इज डिफाइंड ए सब्जेक्टिव परस्पेक्शन ऑफ और डिफिकल्ट वे फॉर कॉम्बिंग हेयर एंड इज डिरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्स विच आर ओपोजिट टू द एक्शन ऑफ कॉम्बिंग द हेयर ठीक है कॉम्बलिटी क्या है हम कितने आने से कॉम कर पा रहे वालों को यह क्या है कि हम कितने हमारा कितना मतलब हमारा नज़रिया क्या है ईजी या फिर डिफ़िकल्ट वे ऑफ कॉम्बिंग हेयर एंड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्सेस कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं अपने बालों में कॉम करने के लिए विच आर ऑपोजिट टू द एक्शन ऑफ कॉम्बिंग द हेयर ठीक है आराम आराम से वैसे तो हमें कोम करना चाहिए क्योंकि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना मतलब ब्रेक भी हो सकता है बैलों और हेयर फॉल भी हो सकता है ठीक है सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द हेयर कॉम्बिंग